2000 करोड़ की कंपनी, लाखों कर्मचारी, करोड़ों ग्राहक, 10 मिलियन डॉलर की नेटवर्थ। लेकिन इसे बदकिस्मती कहेंगे या मजबूरी कि सुब्रत रॉय के अंतिम संस्कार में उनके अपने ही जिगर के टुकड़े, उनके दोनों बेटे शामिल नहीं हो पाए। पिता की अर्थी को कंधा देना उनके नसीब में नहीं था या सहारा श्री की किस्मत में नहीं था, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन आखिर सुशांतो और सीमांतो राय क्यों अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाए, इसकी वजह सामने आई। लोगों ने जब सुब्रत रॉय की पत्नी स्वप्ना रॉय के बेटे के नहीं आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वे विदेश में हैं और किन्हीं कारणों से सफर नहीं कर सकते, इसीलिए पोते हेमांक को लंदन से बुलाया गया है, जिसने सुब्रत रॉय को मुखाग्नि दी। बता दें कि सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत रॉय का निधन 14 नवंबर 2023 की रात को हुआ। वो पिछले कई दिनों से बीमार थे। उनका पार्थिव देह चार्टर्ड विमान से बुधवार शाम करीब 5 बजे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनके सहारा शहर लाया गया। यहाँ उनके अंतिम दर्शन करने के बाद बैकुंठ धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें पोते हेमांक राय ने अंतिम विदाई दी, जो सुब्रत रॉय के छोटे बेटे सीमांतो के बड़े बेटे हैं और लंदन में पढ़ाई करते हैं। वो मंगलवार को मुंबई पहुंचे, अपने दादा को देखने कोकिलाबेन अस्पताल गए। इसके बाद अपनी दादी स्वप्ना राय, कजिन प्रियंका सरकार के साथ लखनऊ पहुंचे सहारा श्री को श्रद्धांजलि देने। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पूर्व सीएम समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव विशेष रूप से पहुंचे थे। इसके साथ ही कई बॉलीवुड की हस्तियां भी उनके अंतिम दर्शन करने पहुंची थी। माना जा रहा है कि सहारा श्री के निधन के बाद कारोबार उनके दोनों बेटे ही संभालेंगे। हालांकि सुब्रत रॉय सहारा ने जिंदा रहते अपने उत्तराधिकारी घोषित नहीं किए थे। सहारा परिवार की ओर से भी अभी तक उत्तराधिकारी को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया गया, लेकिन अभी तक माना जा रहा है कि उनके दोनों बेटे ही उनके उत्तराधिकारी कहलाएंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।